लियाओ बुलाओ बुला लो पहला बुला हाँ जी पहला बुलाओ ना पहला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं जेड़ा जथा 4 अगस्त नो पंथक थड़े तो रवाना किया गया सी। उस तो बाद रोजाना 11-11 सिंघां दे आपां जथे भेजे सारयां दे अहीं तहे दिल तो धन्नवादी हाँ। इन्नी गर्मी दे विच अपने कारोबार छड के अपने रझेवे छड के इत्थे आण के अपनियां सिख विरासतां दा करके सिख जथेबंदियां ने सारी संगत ने सिख सद्भावना दल का साथ दिता है। असी सिख सद्भावना दल वालों सारिआं नूं जीओ आया कहिंदे हाँ। पुलिस प्रशासन का भी अहीं धन्नवाद करदे हाँ। साडे नाल उहनां ने कोई जबरदस्ती नहीं कीती पर जो उन्होंने सानू रोक रखिया है उहदा सानू रोस है पर फिर भी असी पुलिस प्रशासन का भी धन्नवाद करदे हाँ। अगला प्रोग्राम भाई बलदेव सिंह जी आप जी नूं देणगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु बोले साहिबे कमाल चोजी प्रीतम सरबंस दानी अमृत दे दाते सतगुरु बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी वल्लों बख्शी हुई फतेह दीनता सहित प्रवान करियो। कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। जिन्ने गुरमुख प्यारे सिख संगत दे रूप विच सिख जथेबंदियां दे रूप विच पहुंचे ने सब नू जियो आया आखदा हाँ। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर दा होका दिंदे होए सिख सद्भावना दल भावें शब्द वरत रहे कि सिख सद्भावना दल वल्लों ये कार्ज आरंभे गए कीते गए जां कीते जा रहे आ। पर बेनती करां जे परिवार विच रहिंदे होए असी किसे मैंबर नूं अगे ला के परिवार कार्ज करदा है ते इहदा मतलब ओ नहीं कि ओ सारा कुछ ओही है नहीं। जे परिवार तोरदा ही ना साथ ही ना दिंदा ते ओ परिवार दा कल्ला मैंबर अपने सिर ते कुछ नहीं कर सकदा। इसलिए पिछे परिवार होवे तां अगे लाया होया बंदा भावें कमजोर भी क्यों ना होवे कल्ला भी वह 1.25 लाख ते भारू पै जांदा है पर जे पिछे बैक ना होवे ते 1.25 लाख भी निकम्मा हो जाया करदा है। इस लई बेनती करदा हां कि शब्द भावें आपां वरत रहे कि सिख सद्भावना दल पर जे सिख जथेबंदियां सिख फैडरेशना साडे नाल तुरन वालियां सिंघ सभावां सत्कार कमेटियां सिख संगतां जां होर साडे ओ जुझारू योधे जिहड़े भावें जेलां दे विच बंद ने
उन्हां उत्थों बैठ के भी साडियां अरदासां कीतियां, साडे लई होके दिते। हर थां ते उन्हां ने गुरु अगे जोधड़ियां भी कीतियां, जे असी कर रहे हां ते ओह भी साडियां करदे आ गुरु पंथ दी चढ़दी कला वास्ते। इसलिए उन्हां सारियां दे सहयोग नाल जे गुरु नानक कह सकदे ने कि उदासियां ए फतेह गुरसंगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई, गुरु की संगत ते गुरु दी बाणी तो बिना कदे फतेह नहीं हुंदी। गुरु कलगीधर पिता महाराज जी ने पंथ दी साजना कीती, जंगा लड़ियां, कदे आनंदपुर साहब भी छड़े ते कई कुछ हो वापरे। आपां सारा कुछ पढ़दे सुणदे आ। महाराज जी नूं पुछिया, सतगुरु ये तुसी किवें कर गए, किवें लंघ गए इन्हां समस्यावां चों, किवें मुसीबतां नूं चीर के गुजर गए। महाराज जी कहन लगे, मैनूं पुछण वाले हो इन्हीं की कृपा के, सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब करोर परे। ते कदे गुरु रामदास जी नूं पुछया गया, अज तुसी गुरता गद्दी दे मालक बने हो, कोई शब्द आखो। ते महाराज जी ने भी कहा सी, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानू आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। इस लई बेनती करदा हां कि सिख सद्भावना दल भावें शब्द जरूर वरत रहे हां, पर जे सिख जथेबंदियां सिख संगतां इहदे सिर ते हथ ना रखदियां ते सिख सद्भावना दल कदे कुछ नहीं सी कर सकदा, होंद विच वी नहीं सी आ सकदा। जम्मण वाले वड्डे हुंदे ने, मापे वड्डे हुंदे ने, पुत जिदे मर्जी कद दे उच्चे हो जाण, जे मापे ही ना हुंदे ते आ कित्थों जांदे। इस लई गुरु पंथ माँ है, ते गुरु पंथ वालेओ बाबे जरनैल सिंह दे बोल वार वार दोहराउणा आ, तुसी मालको असी गुलाम, ते गुलाम कदे भी वड्डा नहीं हुंदा, पंथ करके वड्डा हुंदा है। जदों अपने घराणियां च फिरदे सां किसे ने वड्डा नहीं आखिया, पर जदों पंथ ने उंगल फड़ लई उदों अज सारे पंथ दा महान कीर्तनिया कहण लग गए। महान पंथ ने महान बनाया है। ते ओ पिछले दिन ही जेड़ी घटना कर्म सामने वापर ली आया कि जोड़े घर की खुदाई दे समय पुरातन विरासत निकली, सिख संगतां दी साडे कोले भेजी हुई वीडियो पहुँचती है, असी जाके वेखदे आ, बचाउण लई होका दिंदे आ कि इहनू सेफ रख लिया जाए, बचा लिया जाए। और उदू बाद श्री गुरु रामदास सरां जिन्हों बचाउण लई होका दिता गया कि ये सरां कदे किसे कीमत ते टहणी नहीं चाहीदी, साडी आवाज़ है, चाहे वह असी पुलिस कमिश्नर तक गए जां अमृतसर साहब दे गुरप्रीत सिंह डीसी खैरा जेडे सेवावां जेड़ियां लगियां निभा रहे ने, चाहे वह सुखचैन सिंह गिल होण, चाहे वह हरपाल सिंह होण, चाहे वह सरदार हरजीत सिंह होण, चाहे वह परमिंदर सिंह पंडाल होण, इन्हां दे राहीं असीं ये आवाज़ दे रहे सां सरकार नूं कि ये विरासतां जिहड़ियां ने बचाईयां जाण। विरासती विभाग नूं आखिया गया कि 100 साल पुरातन, कोई 250 साल पुरातन ये साडियां विरासतां बचा लईयां जाण, क्योंकि कार सेवा दे नाम हेठ सरकार सेवा ते मार सेवा करन वालियां नूं बिल्कुल इस पासे ध्यान नहीं। और उदों पहलां असीं ठंडे बुरज जां चमकौर दी गढ़ी, बेबे नानकी दा घर, होर बेअंत पुरातन विरासतां जिहड़ियां ने, चाहे वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते काबज धिरां होण, ते चाहे वह कार सेवा करन वाले बाबे होण जिन्हां दे कुहाड़े गुरु के बागां ते चले, ते गुरु के बाग अज कहण मात्र गुरु का बाग है, उत्थे पर बाग दिसदा नहीं। जे किते विरासतां दी गल चले, हथौड़े चले, उन्हां ने विरासतां खत्म कर दित्तियां। सानू भी चलो होंद विच पता नहीं लग्या, जे अज पता लग्या एक विरासत विच्चों एक गुरु के बाग विच्चों भी दीदार खालसे दा हुंदा है, जिहड़ा गुरु साहब जी ने बचन कहा है। इन्हां दे विच्चों साडे बच्चियां नू सिखी नसीब हुंदी है, और उन्हां नू बचाउण दी अंदर सदर पैदा होई, आवाज़ दित्ती गई
और 11 सिंघां दे जत्थे रोज भेजने शुरू किए। अगर प्रशासन ने इहदे वल ध्यान ना दिता इहदे ते वड्डा संघर्ष किया जाऊ। 11 सिंघां दे जत्थे आने शुरू होए जी, अपंथक होके दे थड़े उत्तों 10वां महीना शुरू हो गया सानू 328 रूपां नू लैके। पर चलो कुछ जंगा लंबिया भी हो जाया कर दियां ने, कोई गल नहीं, वो चल रही है। उहदे नाल नाल ये विरासती जंग शुरू हुई। अज 5वां जत्था सी जी, अज 31 सिंघां दा नहीं जी 44। 4 दिन सिंघां दे 11 दे जत्थे आए, अज 5वें दिन 41 सिंघां दा जत्था आया। जेदे विच 10 बीबिया दे जत्थे आए ने नाल, 10 बीबिया सन क्योंकि असी रोज पढ़ते जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। जे अमृत तैयार किया गया ते पतासे मां ने पाए ने, जे बापू अमृत छकाउंदा है ते मां साडी तो पतासे पवाए बिना नहीं छकाउंदा। जे बाबा तुरदा है ते बेबे तो बिना नहीं तुरदा। जे तृप्त हुंदा है ते मां तृप्ता तो बिना तृप्त नहीं हुंदा। जे भाग सुलखणे हुंदे ने ते साडी ओ मां सुलखणी तो बिना नहीं हुंदे। जे वीर बनदे ने बीबी वीरो तो बिना नहीं बनदे। जे भाणे दी गल तुरदी है ते बीबी भानी तो बिना भाणे दी गल भी समझ च नहीं आउंदी। इस लई 41 सिंघां दा जत्था आया, जिन्हां दे विच 10 साडियां मातावां भैणां धीआं उस जत्थे दे विच आईआं। पर अज 5वें दिन ते पुलिस प्रशासन वल्लों उन्हां ने भावें किन्ने भी हथ बन्ने गए उहदे बावजूद उन्हां अपनी मेहनत की है जी। इत्थे भी मैं गल नाल कहांगा, जिथे पुलिस प्रशासन ने सानू रोकिया उन्हां नूं नहीं रोकिया, असी कह रहे हैं उन्हां नूं रोको सानू क्यों रोकदे पए हो। पर जिथे उन्हां ने सानू रोक के रखिया है उत्थे उन्हां साडियां दोवें गल्लां अज मन लईआं। विरासत नूं ज्यों दा त्यों रखिया जाऊ और जिहड़ी गुरु रामदास राय उहनूं ढाया नहीं जाऊगा। अज सानू सारिया वालों बकायदा वीडियो भी आ चुकी है, विरासत का प्रेस नोट कल मिल गया है। जे जिहड़ी दूजी सी सरां वाला वह अज आ गया है, प्रेस नूं भी दिता जाऊ। तो ये कह सकते कि अज 5वें दिन 41 सिंघ सीगे, जिन्हां च 10 सिंघ सिंघणियां साडियां मातावां भैणां। और ये खुशकिस्मती सारिया की हो गई, ये प्रशासन ने अपना काम किया, असी अपना काम कर रहे हैं। पर जे प्रशासन कितने ढिल मठ वरतदा हुंदा, ये जत्थे 11 सौ च भी जाने सी, ये जत्थे 11,000 च भी जाने सी, सांभे नहीं सी जाने। बीबियां निके निके न्याणे तैयार होए जी, साडी वारी कदों आ? बजुर्ग तैयार ने, साडी वारी कदों आ? बोले सोनिया। जथेबंदियां दे फोन आ रहे सी, साडी वारी कदों आ? क्योंकि जथेबंदियां नूं इह कहा सी कि भाई अजे तुसी रुक जो, सब तो पहला सी तुहाडे ही भरा आ, असी जावांगे, तुसी साडियां राखवियां फौजां हो। बाबा बंदा सिंह राखवियां फौजां नूं हमेशा पिछे रखदा है, क्योंकि उन्हूं पता है आ गोल जे इन्हां को ना होया तो आ मगरलिया ने पक्का करना। इस लई सत्कार कमेटियां, फेडरेशनां, सिंघ सभावां साडियां, तरना दल, साडे बुढ़ा दल, निहंग जथेबंदियां सारिया दे फोन आए ने जी। मैनू कहिंदे रे कदों आईए, मैं क्या अजे ना आयो, अजे सानू लड़न दिओ, जदों साडे हथ खड़े हो जाणगे उदों आ जिओ। पर गुरु ने कृपा कर दित्ती उहनां दे सहयोग सदका, हाथ खड़े होने तो पहला गुरु ने सानू फतेह बख्श दिती। बोले, 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 बोले।
और ये भी नाल बेनती करदे आ, बेशक सरां रुक गई है, विरासत नू नहीं छेड़ांगे, ये उन्होंने मन लिया है, पर ये सदीवी हल ना समझियो। सदीवी हल की है, जिन्ना चिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये बादल के नरैणू कोड़मिया तो आजाद नहीं कराई जाती, उन्ना चिर बाबे कश्मीर सिंह भूरी वाले दे उत्थे उहदे कवाड़े भी चलणगे, गुरु के बागां ते इमारतां ते हथौड़े भी चलणगे। रुकणगे किदण? जिदण तुसीं बादल क्या तो अकाल तख्त आजाद करा दिओ। इहदा सदीवी हल ये है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आजाद कराउणा। हुण ये ना सोच लिओ भाई साहब जी, इन्ने दिन असीं आए चोणां लड़न वास्ते आए सां, ये सवाल होणगे और विरोधियों ने बड़ा कुछ पाउणा है, क्योंकि उन्होंने हजम नहीं होना, इन्हां पुलिस दे डांगा क्यों नहीं मारियां, पुलिस ने इन्हां दे सिर च क्यों नहीं मारियां, ये काम किवें निबड़ गया, ये तो रले हुए ने, इहो जे सवाल भी आने ने, ध्यान रखियो। और दो बंदे अज फड़े भी ने इत्थे, उन्होंने पग्गां भी साढ़े वर्गियां बन्नियां, कपड़े भी साढ़े वर्गे पाए, अगले बन्ने किसानां दे लोगो लाए हुए, असीं किसान मोर्चे च आए हाँ, ते बंदे की दे निकले उन्हां नरैणू महंतां दे, ओह फड़ के सी फड़ाए जी, और प्रशासन वल्लों जिथे कारज तन देही नाल कीता गया है, एक मिनट जी, तन देही नाल कीता गया है, उत्थे प्रशासन वल्लों ये भी सानू भरोसा दिता गया है, जेडे दो सिंघां नू कुटिया गया ना महंतां वल्लों नरैणूआं वल्लों, असीं उन्हां दा पता भी लवांगे, उन्हां दे खोए हुए मोबाइल भी वापस देंगे, होर भी जिहड़ी कोई लोड़ होई असीं प्रशासन वल्लों पूरी करांगे, क्योंकि असीं नहीं चाहुंदे साडे हुंदिआं नजायज किसे दे सिर च डांग वजे। चलो बेशक इत्थे लोक मन मर्जियां हुदरियां कर जांदे ने, पर सामने वेख के ते यार कोई नहीं जे खांदा, वो ते ध्यान रखदा है ना। तो आ जिहड़े पंजां दिनां दे विच जिथे सिख संगतां ने, मैं ऋणी आ सारियां नूं नमस्कार करदा जिन्हां साडे गरीबड़ियां दे होके ते समां कढ़िया, रात मच्छर लड़ाए, आ बो बड़ी आउंदी सी उह गली च पहले दिन जिथे सुते सां, चार छफेरियों बंद सी, बत्ती भी बंद सी, गर्मी बड़ी सी, और उन्हां सारी रात एसी कमरियां च ते महल्लां च सौण वालियां ने रातां गलियां च कट्टियां ने आ पंज चार। किसे नू कोई पैसा नहीं दिता गया, किसे नू किराया नहीं दिता गया, कोई दिहाड़ी ते नहीं लिया गया, अपने घरों रोटी खा के आउंदे सी ते नाल पांच सत बन के भी लियांदे सी, जेड़े उत्थे बैठे ने वह भी खा लैणगे। उन्हां सिखां दे सदका ये आ जेड़ा मोर्चा फतेह होया भाई, ये मता सोचियो, आ जेड़े नारे भी मारदे हो ना, मेरी बेनती जे जेड़ा ये कहिंदा ना वडाला तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोके मेरे मगर, बिल्कुल ना आयो, मैनू अजिहे बंदियां दी लोड़ नहीं, मेरी बेनती है पंथ दी सोच ते पहरा देंगे ठोके, वडाला कौन इत्थे, छत्ती जम्मे ते छत्ती मरे, मस्या बंद होगी। संत ज्ञानी जरनैल सिंह नू किसे ने कहा सी, संत जी ध्यान ना रहो तुहाडी कौम नू लोड़ बड़ी है, वह कहिंदे गुरमुखा साडे हौमे नू पट्ठे ना पा, इत्थे 3600 जरनैल सिंह जम के मर गया, मस्या अजे भी लगदी है ते लगदी भी रहनी। इस लई अज गुरद्वारा प्रबंध सुधार लहर का होका दिंदिआं सिख सदभावना दल वल्लों आ जिहड़ा कार्ज तुसीं फतेह कीता है, सारियां नू जीओ आया आखदा है, धन्नवाद नहीं करांगा, अरदास करांगा सतगुरु इन्हां सिख संगतां नू, सिख जथेबंदियां नू, सिख सेवादारां नू, उन्हां विच सेवा करन वालियां नू, और सिख सदभावना दल दे जिन्हें भी सेवादार ने, जे मैं ना लैण लगांगा दूजा नाराज हो मेरा क्यों नहीं बोलिया, पर मैं समुचे तौर ते सारे सिंघां दी, बच्चियां दी, बच्चियां दी, भैणां दी, भरावां दी, मातावां दी, सारियां दी अरदास करदा है, सतगुरु सानू इन्नी क चढ़दी कला बख्शी, रहमत करी कि वो जेड़े
सिंह चेते आ जान, अद्धी अद्धी रोटी सुटी गई भुखियां दे उते। पहले भुखे ने बजुर्ग ने नौजवान अगे कर दिती, नौजवाना मैं ते बुढ़ा आ, मर भी गया कोई नहीं, तू शकल है तेनू लोड़ है। नौजवान ने चक के बापू दे अगे रख दिती, बजुर्गो मैं नौजवान आ, नरोआ खून आ, मैं टाइम कढ लवांगा, ये तुहानू बजुर्ग नू जद दी जरूरत है तुसी रख लो। ओ जिथों थाली शुरू होई सी घूम के उत्थे आ गई, ओ रोटी किसे ने खाधी नहीं सी, भुखे भी चढ़दी कला विच सन। उन्हां जेलां दे विच भी ते गुरु रहमत करे सतगुरु जी अगे अरदास है, महाराज जी जिवें तुसी अज बख्शिश कीती है तुहाडा शुक्र है, साडी गल जिहड़ी सी ओह मन्नी गई, और ये मोर्चा ये फतेह होया, पर संपूर्ण अजे ने उदन होना है जिदन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आजादी होवेगी, अकाल तख्त ते अकाली फूला सिंह बहाल होवेगा, और बादल के दरबार साहब तो बाहर होणगे। ये सिलसिला खत्म नहीं, सिलसिला शुरू होया है, ये दस दें, और उन्हां विरासतां नूं ज्यों दा त्यों बचाया जाऊ, और इन्हां ने साढ़े ते भी इल्जाम लाए। वेखो जी ये गुरु घर की उसारी रोकते ने, बिल्कुल गलत, उसारी करो, जोड़े घर बनाओ, मैं कहना साड़ियां पुरानियां चीज़ां नूं ना तोड़ो, नवी बनाउणी है, जिस तरह की पुरानी सी उस तरह की नवी लागे बना दिओ, ये इट्टां हूंज हूंज के बाहर क्यों सुट्टदे पए, इसलिए तुसी जोड़ा घर बनाओ, ओदी देखेवें दी बना दिओ पुरातनता वर्गी, साडे बच्चे बाहरों आउण ओदे कोल खलो खलो के फोटोआं खिचाउण, आ जिहड़े हवेली ते जाके फोटोआं खिचाउंदे फिरदे ने ओह जाके कहण अज मैं जस्सा सिंह रामगढ़िए दे कोले फोटो खिचवा के आया, अज मैं नवाब कपूर सिंह दे कोले खड़ा सां, आया ओदी यादगार है, अज मैं लोहगढ़ दा किला वेखिया, अज मैं काल तख्त वेखिया, अज मैं ओह सिल वेखी जेदे ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नू शहीद किया गया, अज मैं ओ जंड वेखिया जेदे नाल भाई लक्ष्मण सिंह जी नू बन के साड़ गया साड़िया गया सी, ए साडे बच्चे फोटोआं खिच के जान, ए ना कहण मैं अमृतसर तो कुलचे छोले खा के आया है, ए कहण मैं वेख के आया है कि डिठे सबे थाम बदहो पुरख बिधाते अमृतसर, ए साडे बच्चे कहण मैं अज अमृतसर साहब वेख के आया है, उत्थे बीबी भानी वेखी जिन्हें मैनू भाणा सिखाया, भुली होई इस गल सिखाई भाणे की सिखाई, भाणे की गल करदे आ भुली जी भाणा जी भले की गल सिखाई, मैं गुरु रामदास जी कोलों निम्रता सीख के आया, मैं गुरु रामदास जी कोलों जबान मिठी करवा के आया है, कौड़ा बोलती सी, मैं गुरु रामदास जी तो कन्न बड़े तकड़े लैके आया है, इत्थे गालां कढ़न वाले बड़े ने पर मैं गालां दा जवाब नहीं देंदा, मैं सुन के उन्हां नूं भी हजम कर जाना है, तेरी भगत ना छोड़ूं भावें निंदो निंदो मोको लोक निंदो, सिलसिला जारी है, आ 328 सरूप बादल क्या ने चोरी वेचे ने, दसवां महीना शुरू हो गया, आ तुहाडा कार्ज फतेह होया है, वह अजे आपां फतेह करना है, उदू बाद होर बहुत सारे कार्ज ने जेड़े आपां फतेह करने आ, और जिन्नी संगत ने सहयोग दिता सारियां दे नाम लिखे हुए ने, जिन्ना दे रह गए ने वो लिख के जान, क्योंकि ये किताबचे बनने ने, फोटोआं छपनिया ने, तुहाडे पोतरे पड़पोतरे वेख्या करनगे आ साडे भी दादा जी फलानी विरासत बचाउण गए सी। जेड़े निके निके ने ये भी दसणगे असी ते जम्मे ही मोर्चियां विच आ, असी साडे ते खून दे विच ही मोर्चे ने जी, असी तां रहिंदे ही उत्थे आ, और एक मैं तुहानू ओह बिटिया भी विखा दिंदा संगत जी, आ मीडिया दे सामने भी कर दिंदा, करोने आए इत्थे लॉकडाउन लगे इत्थे करफ्यू लगे, जिदने बिटिया इत्थे आई सी ओदने नू तुरना भी नहीं सी आउंदा ते बोलना भी नहीं सी आउंदा, और वो 10 महीनिया तो अपनी माँ दे नाल इस मोर्चे दे विच आ रही है, और अज वो आ तुरन भी लग गई ते बोलन भी लग गई, इनू मोर्चे वाली
आए साहिब कौर इनू मोर्चे वाली बीबी बच्ची आख्या जांदा जी। ए साहिब कौर मोर्चे वाली है, न्याणे घर खेडदे होण ओह कहिंदे ने फलाणे थां जाणा है, ए साइकल ते बह के आखूगी मेरे पिछे बह मोर्चे च चले। ते मैं फिर बेनती करदे आं सारियां जथेबंदियां सत्कार कमेटियां जिन्हें भी वीर हैगे ने, जे मैं ना लवांगा ना किसे दा छुट गया बड़ा औखा हो, पर जेड़े हाजरी लवा गए ने उन्हां विच भाई बलवीर सिंह होनी, भाई रणजीत सिंह होनी, होर भाई लखवीर सिंह होनी, मेरिया भैणां मतावां जिन्हां दे मैनू याद भी नहीं नाम, भाई सुखविंदर सिंह होनी उत्थों आ के साडे को बैठे ने, मीडिया वाले वीर जिन्हां दे कैमरे तोड़े गए, धक्के मारे गए, मोबाइल खोए गए, पर वीरियो तुहाडा भी अरदास करूँगा, धनवाद नहीं करूँगा। महाराज जी तुहानू इन्नी क चढ़दी कला बख्शण, तुसी इन्ना क दस दिओ, मीडिया नू भी इन्नी क रब ने ताकत दित्ती है, ये असमान थले ला लैंदा ते धरती असमान ते चढ़ दिंदा। ये ओ चीज़ है आवाज़ जदों ये गरजदी है गूंजदी है, ये फिर 10 लाख नू भी भड़थू पा के रख दिंदी है, भावें गिणती च 40 हो। सारे सिख पंथ दे ऋणी हाँ सेवादार हाँ, गुरु कृपा करे सब नू चढ़दी कला बख्शे, ये फतेह दी अरदास होवेगी। अरदास करके जिन्ना जिन्ना ने नमस्कार करन जानी वह जरूर जाण, कट्ठे हो के ता नहीं जाना, ये महंते ना सोचण साडे गल पैण आए सी, क्योंकि इन्होंने बड़िया ऊनताइया कर कढ़निया ने, बड़े इन्होंने साडे ते पलेथू लाउणे ने, इसलिए असी मत्था सवेरे टेक लाँगे, कोई दिक्कत नहीं। जिन्ना जाना है गुरु रामदास जी नू नमस्कार करन, और वो जिहड़ी जगह है असी वेखण जरूर जावांगे, उहदा सर्वेखण करांगे करवावांगे, उहदे लई असी अपनी 5 मैंबरी नीयत करके बकायदा प्रशासन नू नाल लै के जावांगे, क्योंकि साडा प्रशासन ने भरोसा भी इन्ना क कीता, मैं कहा सारी पुलिस सौं जाओ, साडा एक भी बंदा उन्ना चिर नहीं जाऊगा जिन्ना चिर इधरों अरदास नहीं हुंदी। तुसी गल ना मन्नी ते फिर वो अरदास होगी ते फिर रोके नहीं जाने, पर जिन्ना चिर असी अरदास करके चलते नहीं उन्ना चिर तुसी साडे ते भरोसा रखियो। ते वाहिगुरु कृपा करे मैं इन्हां सारे वीरां दा शुक्रगुजार जिन्हां दे कोले शक्ति भी बड़ी ते भगती भी बड़ी और वीर रस भी बड़ा, उन्हां नू कह दिए ते हाथी दी पूछ फड़ के वह सिर वढ के लियाउण वाले अज भी हैगे आ, पर वह कहिंदे नहीं असी जबर दा मुकाबला सबर नाल करना है ते करांगे। उन्हां सारे भरावां दी सतगुरु चढ़दी कला रखे, और नौजवान भरावो ये ध्यान रखियो, खून बाले बड़े खांदा है पर इहनूं संकोच के रखियो, ये जरूरी नहीं हुंदा वी बस असी डांगा नाल ही हर जंग जितनी हुंदी है, बहुत सारियां जंगा बिना डांगा तो भी जितियां जा सकदियां। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी ते बनाउण वाला कौन सी, जिथे झब्बर साहब ते होर सन उथे जथेदार तेजा सिंह पुचर भी सन। और वो वड्डी गल ए होई, मैं पुचर साहब नू कहांगा एक मिनट सामने जरूर आ जाण, भी आ जिद्दण अरदास करके चले तेजा सिंह जथेदार पुचर साहब दा पोतरा भाई रघबीर सिंह साडे ना पहले जथे च रवाना होया, ए सानू माण है कि गुरद्वारा प्रबंध सुधार लहर चली, शहीद भाई लक्ष्मण सिंह वो ननकाणा साहब दे अंदर शहीद हुंदे ने, अज आपां सारे उन्हां दे वारस बन के गुरद्वारियां दी आजादी लई चले आ, राजनीति तों आजाद करवाउणा है, पर बड़ी खुशी दी गल कि सानू अज साडे वड्डियां दा साथ फिर नसीब होया, जथेदार तेजा सिंह पुचर दे पोतरे भाई रघबीर सिंह पहली अरदास दे विच साडे नाल अरदास करके चले, ते जदों अरदास करनी सी संगत जी
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ 11 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਲਿਸਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਆ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਜਾਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ।